गुड आफ्टरनून रौनक सर। हाँ जी कर सकते हैं, आपको म्यूट कर। सर आपने सबको एडमिट कर दिया? ओके गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि हमारा ट्रेडिशनल टेक्सटाइल की अभी सीरीज चल रही है और इसी श्रृंखला में हम आज पार्ट 4 के साथ हैं। इस वेबिनार को होस्ट कर रहे हैं निमी डीजीटी की तरफ से, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं मिस्टर रौनक सर और को होस्ट मैं सोनू घिया ट्रेनिंग ऑफिसर NSTI जयपुर से को होस्ट कर रही हूँ। कॉरेस्पॉन्डेंस पर्पज से नीचे मेरा ईमेल आईडी और आपको मोबाइल नंबर दिया हुआ है, सो आप अभी नोट कर लें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उससे रिलेटेड जो भी आंसर्स हैं आप मेल करें, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ओके तो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल के ही क्रम में हम पिछले वीक अगर हम बात करें तो हम आपसे बात कर चुके हैं फुलकारी की बात कर चुके हैं, हम आपसे कांथा की बात कर चुके हैं, हम आपसे चिकनकारी की बात कर चुके हैं और हम कच्छ और काठियावाड़ की जो एम्ब्रॉयडरी है हम उसकी आपसे बात कर चुके हैं। आज के वेबिनार में मैं सिर्फ एक एम्ब्रॉयडरी डिस्कस करूँगी आपसे, वो एम्ब्रॉयडरी जो डिस्कस करूँगी वो मैं करूँगी आपसे कसूती ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट जो एक्चुअली मैसूर की एम्ब्रॉयडरी कही जाती है पहले, तो कर्नाटका के बारे में आज हम बात करेंगे। कसूती एम्ब्रॉयडरी के बारे में फिर हम, क्योंकि अब एग्जाम्स हैं तो आपको बार बार रिकॉल कराना पुराना क्या याद किया जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस मैं फुलकारी से रिलेटेड, मेरे जो पिछले वेबिनार्स हुए हैं उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आप नोटबुक और पेन जरूर लेके बैठें, क्योंकि मैं थोड़ा आपको लिखना होगा, मैंने स्लाइड्स पे लिख के नहीं यूजुअली मैं प्रोवाइड कराती हूँ बच्चों को पार्टिसिपेंट्स को, तो आप लोग नोट डाउन कर लें, ये जरूर आपको हेल्प करेंगे राइट। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस में आपके कांथा को लेके, क्योंकि संडे ऑफ था तो आपने जस्ट, क्योंकि हम ट्रेडिशनल टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं तो मैं ये समझ रही हूँ और मैं ये मान के चल रही हूँ कि डेफिनेटली आपने इनको पढ़ा होगा, रिवाइज जरूर किया होगा राइट। और कंटिन्यू बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो मेरे लेक्चर हैं ट्रेडिशनल टेक्सटाइल को लेके वो यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए, तो मैं रौनक सर से यहाँ रिक्वेस्ट करूँगी कि सर प्लीज़ जल्दी अपलोड करवा दें क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स पास आ रहे हैं राइट। सो अभी कुछ क्वेश्चंस हैं कच्छ को रिलेटेड, कच्छ से रिलेटेड, तो कच्छ एम्ब्रॉयडरी जो है उसके बारे में हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस काठियावाड़ से रिलेटेड इस वेबिनार के एंड में, कुछ आज जो आप पढ़ रहे हैं कसूती, वो कसूती से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे आपसे ठीक है। सो ये हमारा आज का है जो भी आउटलाइंस है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जब बात कर रहे हैं आपसे कर्नाटका की कसूती की, तो आप पहले ये देखें कसूती किस तरीके की है और किस तरीके के मोटिव्स यूज किए जाते थे। तो आप एक लुक इसके जो आर्टिकल्स पहले बने हुए थे कुछ म्यूजियम्स में जो अवेलेबल रहे हैं जो कि नेट पे अपलोड किए हुए हैं, तो उनसे आप देखें। सबसे पहले आप समझने लगे जो बैकग्राउंड का कपड़ा समझे, आपको कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस बैकग्राउंड पे, क्योंकि कल जब हमने जब आपसे बात की कांता की तो आप समझ गए थे कि उसमें वाइट जो अनब्लीच जो है अनकलर्ड है, जो कलर नहीं किया गया है वो यूज किया गया है। हम जब लखनऊ की चिकनकारी की बात करें तो आप व्हाइट एंड व्हाइट समझ गए थे। तो इसी तरीके से जब हमने आपसे फुलकारी की बात की तो आपको ग्राउंड का कलर समझ में आ गया था, कपड़े का रंग समझ में आ गया था कि कपड़े का रंग कौन सा है ठीक है। तो अभी आप इससे डिजाइन को मोटिव्स को देख के जरा समझें कि किस तरीके का है। ये देखिए ये आपकी है कसूती ऑफ कर्नाटका ठीक है। और नेक्स्ट आपकी और देखें,
ये वो पुराने ट्रेडिशनल मोटिव्स हैं सारे, जो पहले उसी एज इट इज यूज किए जाते थे वही हैं जो, और आप देख रहे हैं इसमें भी ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, आपको कुछ नजर आ रहा है कि शायद काउंटेड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है, देखें आप, ठीक है, क्रॉस स्टिचेस हैं इसके अंदर। अब तक हमने जितनी भी एम्ब्रॉयडरी पढ़ी है उसमें क्रॉस स्टिचेस यूज नहीं की गई थी, लेकिन आप देखें इसमें क्रॉस स्टिच यूज की गई है। देखें ये साड़ी के पल्लू विशेष तौर से इस तरीके के बनाए जाते थे, तो ये कुछ मोटिव्स हैं जो इस तरीके के हैं जो इसमें हाउस होल्ड आर्टिकल्स में यूज किए जाते थे। तो जरा चैट बॉक्स में लिखें, समझ में आ गया है आपको कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न है लेकिन स्टिच कौन सी है, क्रॉस स्टिच है, और उसके अलावा क्या है, काउंटेड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी दिख रही है, क्योंकि क्रॉस स्टिच अपने आप में हम अगर कहें तो क्या है, काउंटेड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी, राइट। तो आपको मोटिव्स देख के, कुछ डिजाइन देख के आपको शायद समझ में आया है कि कसूती की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो हम बच्चों को जितना लिख के बताते हैं या जो नोट्स देते हैं या हम जो वर्बली बताते हैं उससे कहीं 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 ज्यादा बच्चों को विजुअलाइज करके मेमोराइज करने में बहुत हेल्प मिलती है, राइट। सो इसीलिए ये है। तो अब कसूती ऑफ कर्नाटका आपने देख ली, अब पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक। आइए, इंट्रोडक्शन और ओरिजिन, पुराना हम पढ़े, शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, किस तरीके से बनाई जाती है। द हिस्ट्री ऑफ कसूती डेट्स बैक टू द चालुक्य पीरियड। द नेम कसूती इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड काई मींस हैंड एंड सूती मींस कॉटन, इंडिकेटिंग एन एक्टिविटी दैट इज डन यूजिंग कॉटन एंड हैंड्स। ये जो है ये चालुक्य पीरियड के पहले से भी पाई जाती है, तब से इसका मिल रहा है कि ये होती थी। और ये शब्द जो है कई वर्ड से, उस शब्द से ली गई है, कसूती जो कई एंड सूती, कई का मतलब होता है हाथ और सूती का मतलब होता है कॉटन। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि कॉटन से कॉटन धागा यूज किया गया है, कॉटन सूत यूज किया गया है इसके अंदर, कॉटन के ऊपर है। देखिए कहीं कहीं हम जब देखें, हम जब इतिहास को पढ़ते हैं तो ये सिल्क साड़ियों पे शादी के समय दिया जाना दिखता है। तो सिल्क साड़ी ओकेजनली प्रयोग किया गया पल्लू पे, ठीक है, लेकिन हम अगर इसके शाब्दिक और उसके अर्थ पर जाएं तो यही समझ में आ रहा है कि बहुतायत पे कॉटन धागे से कॉटन ही प्रयोग किया जाता है, जाता था, ठीक है। द वुमेन कॉटरीज इन द मैसूर किंगडम इन द 17th सेंचुरी वर एक्सपेक्टेड टू बी अडैप्टेड इन 64 आर्ट्स विद कसूती बीइंग वन ऑफ देम। अगर मैसूर किंगडम 7वीं शताब्दी की बात की जाए तो लगभग 64 आर्ट है, 64 डिफरेंट कलाएं उनको आती थी, उनको पता थी, और कसूती उसमें से एक है, राइट। It is also said that the Lambani clan left their traditional home of Rajasthan and settled down in Karnataka and brought the kasuti craft along with them. ये भी माना जाता है। देखिए मैं आपको बार बार कहूंगी, बीच बीच में जो जो कुछ evidences मिले हैं, जो जो कुछ पता चल रहा है, उस हिसाब से हम आपको बताते हैं। लेकिन जैसे जैसे इतिहास में books में available है, किताबों में जो available है, और जो ही म्यूजियम वगैरह में लिखा हुआ है, जो हमें अवशेष मिले हैं उनके आधार पर, ये भी कहा जाता है कि जो राजस्थानी के अंदर लंबानी जो एक समुदाय है, उन्होंने जब राजस्थान को छोड़ा, अपने परंपरागत घर राजस्थान को छोड़ा, और वो कर्नाटका में सेटल डाउन हो गए, वो कर्नाटका में रहने लगे, तो ऐसा भी है कि ये उनके द्वारा भी लाई गई है, तो उनके द्वारा लाई गई भी मानी जाती है, ठीक है। कसूती वर्क विच इज वेरी इंट्रिकेट समटाइम्स इन्वॉल्व्स पुटिंग अप टू 5,000 स्टिचेस बाय हैंड एंड इट्स ट्रेडिशनली मेड ऑन ड्रेसवेयर लाइक एकल साड़ी जावेकन अंगिया और कुर्ता, जो ये कई बार माना जाता है कि हाथ से लगभग परंपरागत एक ही गारमेंट लगभग 5,000 से अधिक स्टिचेस का प्रयोग किया जाता है। और ये साड़ी के पल्लू पर भी, अंगिया पे भी, ब्लाउज पे भी, कुर्ता पे भी, इससे ये इस पर ये बनाई जाती थी। इसी को आगे क्रम करते हैं। As a matter of fact, traditionally this embroidery is done on sarees and blouse. The blouse on which kasuti, which match color motifs and border worn with this saree, is known as khan. देखिए जो ब्लाउज के ऊपर माना जाता है कि ये साड़ी के साथ साथ जो है ब्लाउज, साड़ी या ब्लाउज दोनों पे की जाती थी, और जो ब्लाउज बेसिकली चोली है वो उसके ऊपर जो मैचिंग साड़ी के बॉर्डर से मैचिंग करते हुए जो मोटिव्स बनाए जाते थे उसके साथ जो पहनी जाती थी, तो ये जो बॉर्डर वॉर्न विद दिस साड़ी इज नोन एज खान, ये खान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। कसूती विद मैच कलर मोटिव्स एंड बॉर्डर्स, वो जो आपके साड़ी के ब्लाउज के ऊपर है वो मोटिव्स साड़ी से मैच करते हुए बॉर्डर के रूप में बने हुए हैं, तो वो आपका कहलाता था खान। In olden days, it was a custom that the bride had to possess a black sari
और चंद्रकली साड़ी विद कसूती वर्क ऑन इट, ये भी है कि बहुत पुराने ये समय से ये रीति रिवाज यहाँ पे कर्नाटका में था कि जो ब्लैक सिल्क की साड़ी है उसको क्या कहा जाएगा, चंद्रकली साड़ी। ब्लैक सिल्क की साड़ी को क्या कहा गया, चंद्रकली साड़ी। सो ये कहा जाता है कि मून की जो कलाएं हैं उससे संबंधित है ये, ठीक है। और इसके ऊपर ये कसूती कार्य दिया जाता था। और ये जो ब्राइड का है वो उसका जब वो दुल्हन जा रही है तो उसके जो उसका लेके जा रही है अपने साथ में उसका एक कीमती वस्त्र हुआ करता था ये, ठीक है, क्योंकि परंपराओं से जुड़ा है। और जहां परंपराएं आ जाती हैं वो कहीं ना कहीं फिर उसमें भावनाएं भी आई जाती है, ठीक है। द आर्ट वॉज पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड जनरेशन टू जनरेशन। ये जो आर्ट भी है वो पर्सन टू पर्सन जनरेशन टू जनरेशन, ग्रैंड डॉटर को सिखा दिया, डॉटर को सिखा दिया, नेबर्स को सिखा दिया, ओल्ड लेडीज जो हैं उसके थ्रू ही ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हुई है, ठीक है। कसूती इज अ हैंड वोवन वैरायटी ऑफ एम्ब्रॉयडरी। ये जो हैंड हाथ से करी जाने वाली एम्ब्रॉयडरी है बेसिकली फाउंड इन द सिल्क पल्लूज, ज्यादातर कहाँ पे पाई जाती थी, सिल्क के पल्लू पे, आज भी सिल्क के पल्लू पर होती है, लेकिन उतना नहीं है ये कि कुछ जैसे कुछ एक की तो मैं बात करूं आपसे, कसूती और छंबा रुमाल ये धीरे धीरे ना होते जा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे अब जो लोकल लोग भी है वो बहुत ज्यादा इसका अपने गारमेंट्स और डिजाइनिंग में उस स्तर पर प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं, तो आगे भविष्य में क्या हो कह नहीं सकते, लेकिन ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, ठीक है। सिल्क के पल्लू पे कसूती एम्ब्रॉयडरी कंसिस्ट ऑफ इंटरवोवन ज्योमेट्रिक पैटर्न दैट मेक्स अप फॉर दिस इंटरेस्टिंग। ये इंटरवोवन ज्योमेट्रिक पैटर्न्स इसमें यूज किए जाते थे कसूती एम्ब्रॉयडरी के अंदर, ठीक है। अब कसूती बनती कैसे है, कसूती निर्मित कैसे होती है, हम वो भी समझ लें। देखिए कपड़ा मैक्सिमम कॉटन, मैक्सिमम कभी कभी कॉटन एंड सिल्क, अब सिल्क बहुत कम, यू ज्यादातर कॉटन। सिल्क तो केवल जो आपको दुल्हन को दिया जा रहा है ब्लैक गाउन के ऊपर उसका तक मान ले हम, बाकी ये कॉटन पे कॉटन, यूजुअली डार्क बैकग्राउंड और कपड़े का बैकग्राउंड के आप देखेंगे डार्क, ताकि वो जो धागे यूज किए गए हैं वो कलरफुल चमक चमकते हुए उभरते हुए से नजर आए, ठीक है। और कलर मेनली ब्लैक कौन कौन से होते थे कपड़े के, ब्लैक, ब्लू एंड रस्ट, ये जो बैकग्राउंड है ये इन कलर। और लोकली अवेलेबल जो भी कपड़ा अवेलेबल होता था, जैसे जिसमें काउंटेड थ्रेड इजीली किया जा सके, वो एक कपड़ा कसूती के लिए कॉटन यूज किया जाता था। थ्रेड अब हम यूज करें मेनली कॉटन एंड रेयरली सिल्क, मैक्सिमम, क्योंकि हमने यहाँ पर सूती का मतलब ही क्या है, सूती जो कॉटन से लिया जा रहा है, तो ज्यादा मुख्य रूप से कॉटन और बहुत कम सिल्क। जब सिल्क की साड़ी के पल्लू को सुंदर बनाना है, उसको विवाह के अवसर पर दिया जाना है, तो ये अंडरस्टूड है चाहे कि ये उस समय सिल्क से ही की गई होगी, ठीक है। अब आगे कलर्स हम यहाँ धागे के कलर की बात कर रहे हैं आपसे, रेड, ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन, ब्लू एंड येलो थ्रेड्स, ये सारे धागे जो थे वो उसके अंदर यूज हुआ करते थे कसूती के अंदर, ठीक है। रेड, ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन, ब्लू एंड येलो, आप इसमें देखेंगे कि ये सारे जो धागे हैं वो डार्क बैकग्राउंड पे भी बहुत अच्छे खिलकर आ रहा है, क्योंकि इसमें बीच में क्या है, येलो को इस तरीके से बीच बीच में यूज किया गया है, और तो ये बड़े खिलके और सुंदर से लगते थे, ठीक है। अब क्या है, अब मोटिव्स कौन कौन से लिए जाते थे, देखिए इसके अंदर मोटिव्स कौन कौन से लिए जाते थे पुराने टाइम में। एक तो क्या है, मंदिरों के जो आर्किटेक्चर है उससे प्रभावित होके, ठीक है। कसूती वर्क इन्वॉल्व एम्ब्रॉयडरी वेरी इंटिकेट पैटर्न लाइक गोपुरम, मंदिर के अंदर जो गोपुरम्स बने हुए होते हैं, एंट्रेंस होती है जो ऊपर की तरफ, मंदिर में आप नहीं देखते हो सबसे ऊपर की तरफ गुम्बद जैसा कुछ आकृतियां बनी होती है, जैसे जो मैसूर की साइड वाले जो है एक्चुअली उन्हीं से प्रभावित होकर लिया गया है, तो गोपुरम है कुछ, हम चैरियट्स हम कह सकते हैं, रथ कह सकते हैं, प्लैंकमेन कह सकते हैं हम, उसके अंदर लैंप्स एंड कॉन्शियस लाइक शंख से रिलेटेड आकृति, शंख हो गए हैं इसके अंदर, क्या कहते हैं पालकी हो गई है, ठीक है। और पालकी के अलावा आपका क्या कहते हैं गुंबद वगैरह, गोपुरम जो मैंने आपको बताया, ये सब इसमें होते थे। उसके अलावा इट हैज मोस्टली बीन अडेप्टेड फ्रॉम द टेम्पल डिजाइन एंड आर्किटेक्चर म्यूजियम ऑफ द सराउंडिंग्स। कसूती की जो डिजाइन है वो ज्यादातर किससे ली गई है, मंदिरों के आर्किटेक्चर से ये प्रभावित होके लिया गया है इसकी जो डिजाइन्स हैं, ठीक है। व्हीकल ऑफ डाइटीज, जो आपके देवी देवता हैं उनके व्हीकल्स भी इसके अंदर यूज किए जाते हैं, लैंप के पिलर्स हो गए,
प्लांट होल्डर्स ऑफ होली बेसिल, जो आपकी होली बेसिल जैसे तुलसी को रखती हुई जो जो है वो होल्डर्स जिसमें है, वो इसके मोटिव्स में यूज किया जाए। एक बार आपको वापस अभी मैं डिस्कशन कर लूँ, फिर वापस बैक स्लाइड्स पे लेके जाऊंगी। अब आप मोटिव्स पे ध्यान देंगे, है ज्योमेट्रिकल पैटर्न, लेकिन जो मैं ये कह रही हूँ वो सभी उसमें यूज किए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम स्कैड मोटिव्स, बर्ड्स, एनिमल्स, फ्रूट्स, ट्रीज, फ्लावर्स, ये सब इस एम्ब्रॉयडरी में यूज किए जाते थे। और सबसे बड़ी बात क्या, हाथी, स्पैरल और ये आर्किटेक्चरल जो डिजाइंस हैं, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित माना जाता था। ठीक है, अब भी आप देखेंगे यही आर्किटेक्चरल जो डिजाइन है, लाइक रथ हो गए, पालकी हो गई, गोपुरम्स हो गए, ये अभी भी उनके अंदर विद्यमान है, ये खासियत है। अगर आपका ऑप्शन आ गया गोपुरम, किससे संबंधित, बिना सोचे आंसर है कसूती, यही इन्हीं में से आएगा बच्चे, किसमें से आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, सबसे मेन है पर बिल्कुल किस जगह की एम्ब्रॉयडरी है, नाम आ गया उस जगह की, कौन सी एम्ब्रॉयडरी है, दो, राइट। कपड़ा क्या यूज किया जाता है, कपड़े का रंग क्या यूज किया जाता है, धागे कौन से यूज किए जाते हैं, धागे का रंग कौन सा यूज किया जाता है, मोटिव कौन सा यूज किया जाता है, और किस स्टिच को या किस डिजाइन को या किस उसको क्या कहा जाता है। इनके अलावा कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला। आर्टिकल्स क्या बनते हैं, एक और बात, इनके अलावा कुछ नहीं आने वाला है बाहर से, यही आएगा। तो आर्टिकल आएंगे, कलर्स आएंगे, आपका कपड़ा आएगा, धागे आएंगे, मोटिव्स आएंगे, इसके अलावा आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। और कुछ है नहीं ना भाई, प्रैक्टिकल करोगे तो क्या होगा, उस डिजाइन को देख के आप एक नई डिजाइन डेवलप करोगे, आ सकता है प्रैक्टिकल में, आया भी है, आपको पता है आया भी है दो तीन बार कांथा को लेके, कि कांथा प्रैक्टिकल में ये आया है कि कांथा डिजाइन जो ट्रेडिशनल कांथा है उसी को देखते हुए एक नया डिजाइन कुशन कवर के लिए बनाइए। ठीक है, सो इसके अलावा कहीं कुछ आने वाला नहीं है, तो आप ध्यान से पढ़े और निश्चिंत हो जाएं इस बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। द मेन मोटिव्स आर फाउंड टू बी लार्जर नियर द पल्लव एंड एज दे मूव डाउनवर्ड्स इन अ साड़ी द मोटिव्स गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर। जब ये पल्लू की तरफ तो बहुत मोटे बड़े बड़े दिखेंगे और साड़ी के बीच वाले हिस्से में अपेक्षाकृत छोटे होते होते ये जाते हैं। The motifs have to be completed as the stitching line come back to fill in the blank spaces. ठीक है, as the stitching line comes back to fill in the blank space, जो खाली stitch है उस पे बीच बीच में lines इसकी है जो fill करने के लिए आती है। कसूती basically involves working around the weave. हम ये कह सकते हैं कसूती जो mainly है weave के आसपास, weave के साथ काम होने वाले design है ये। Weave इसमें बहुत ध्यान, क्योंकि कसूती क्या है, counter thread embroidery है। ठीक है, मोटिव्स आर नॉट ट्रेस ऑन द क्लोथ। देखिए मुख्य जो कसूती की विशेषता है क्या है, मोटिव्स ट्रेस नहीं किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या किए जाएंगे, याद रखे जाएंगे, मेमोराइज किए जाएंगे और काउंटेड काउंटिंग ऑफ थ्रेड ऑफ द फैब्रिक, कपड़े के तानर बाना को गिनते हुए इस तरीके से इवन एंड नीट स्टिच बनाई जाती है। और इस प्रकार ये काम थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि गिन के आपको ध्यान रख के करना है, लेकिन बहुत कम है जो ट्रेस भी किया जाता है चारकोल से। बट अगर आपको एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क पे करना है तो आप सिल्क के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करनी है तो आप उस वक्त क्या करेंगे, क्योंकि सिल्क पर उतना दिखना आसान नहीं हो, दिखती नहीं है ना वहां पर, उस बारीकी के साथ आंखों को बड़ा जोर पड़ेगा, वो क्लियर नजर नहीं, तो उस समय क्या करेंगे, प्रॉपर नीडल के साथ चारकोल या पेंसिल का प्रयोग, इसमें उस समय चारकोल का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये है। अब एक बार द पैटर्न आर स्टिच विदाउट यू, अब हम पहले वापस से मोटिव को देखते हैं। आपने बार बार मैं कह रही हूँ शंख हो गए, होली बेसिल हो गई, पालकी हो गई, रथ हो गए, मंदिर के गुंबद हो गए, है ना। अब आप देखें जो पुरानी स्लाइड में हम बात कर रहे थे, अब आप देखें मोटिव्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न में ही आप ये देखें, ये इसी तरीके से ये उसी को देखे बनाया गया है। इसमें ये देखिए गुम्बद की आकृति और उसमें छोटे छोटे जो देखिए जो आपने जो डाइटीज के जो वाहन है वो भी इसमें यूज किए गए हैं। जैसे छोटा 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 ऊपर टॉप में छोटा हो जाता है ना गुम्बद की आकृति, है ना, इस तरीके से आप देखिए, ये देखें इसमें हाथी वाहन यूज किए गए हैं, है ना, और सेम वही वापस यूज किया, चक्रा यूज किया है इसमें। ठीक है, इस तरीके की जो डिजाइन है, जो वाहन के रूप में हाथी हो गया, नंदी है ना, शिवलिंगा है, पालकी है, ठीक है, ये इनके मुख्य रूप से हुआ करते थे। इशिका रोघा हैंड रेज कर रहे हो, चैट में लिख दो बच्चे क्या कहना चाहती हो। हाँ
ठीक है। हाँ, रस्ट कलर आप स्लाइड के नीचे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, जमीन का कलर वो रस्ट कलर है, मुझे मालूम है, पूछेंगे बच्चे। देखें आप साइड में नीचे देखो, ग्राउंड किस कलर का है? निशु कुशवाहा ने पूछा था ना, गायत्री में, गायत्री मैं राजस्थान से कह नहीं रही हूँ, कसूती कर्नाटका की ही है। ये माना जाता है कि एक समुदाय छोटा सा है जो माइग्रेट होके वहां बसा, वो भी इसमें पारंगत था, बट वो है राजस्थान की नहीं, कर्नाटका कसूती उस वहीं की, राइट? एक इतिहास की बात कर रही हूं मैं इसमें आपसे, ठीक है? सो क्लियर हो गया, वेरी नाइस। द पैटर्न आर स्टिच्ड विदाउट यूजिंग नॉट टू एंश्योर दैट बोथ साइड ऑफ द क्लोथ लुक अलाइक। जो पैटर्न बनाए जाते थे उसमें ना गांठ नहीं लगाई जाती, नौ जैसे हम निडल में धागा डालते हैं, फिर एंड में, वैसे भी एम्ब्रॉयडरी की एक कला है, एंड में नॉट कभी भी नहीं लगाई जाती। टिनी रनिंग स्टिच के साथ में आप शुरू करें, फ्रंट और बैक समटाइम्स कुछ एम्ब्रॉयडरीज में पता ही नहीं चलता है, लाइक सैटन है, सैटन में पता ही नहीं कर सकते फ्रंट कौन सा है बैक कौन सा है, क्रॉस स्टिच है पता ही नहीं कर पाओगे, तो वो क्या सेम इसमें है, नॉट एंड में नहीं लगती थी उसमें, और विदाउट यूजिंग नॉट टू एंश्योर दैट बोथ साइड्स ऑफ द क्लोथ लुक अलाइक, दोनों साइड एक जैसी नजर आती थी। Different varieties of stitches are employed to obtain the design pattern. Design pattern के लिए different use की जाती थी, like some of the stitches employed. अब इसमें जो main याद करने वाली चीज है, मुख्य है, ये चार stitches के नाम है। एक तो motifs के नाम हो गए, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया गप गोपुरम हो गया, अब रथ हो गया, पालकी हो गई है ना, शंख हो गया, ठीक है। उसके अलावा अब क्या है stitches के name, गवंती, इसके एक स्टिचेस उसको कहा जाता है गवंती, दूसरे स्टिच को क्या कहा जाता है मुर्गी, तीसरी स्टिच को क्या कहा जाता है नेगी, चौथे स्टिच को क्या कहा जाता है मेंथी। अब देखें मुर्गी, बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं मैं सबसे पहले बता दूं, लखनऊ की चिकनकारी मुर्री और कसूती मुर्गी दोनों में कंफ्यूज, मुर्री की बात जब की जा रही है तो चिकनकारी की बात है और मुर्गी की जब बात की जा रही है तो कसूती की बात, ठीक है। ये है इसमें गवंती मुर्गी नेगी, ये इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्टिचेस के बारे में ही। एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट विदाउट नॉटिंग थ्रेड बट विद एनी बैक स्टिच, द बॉर्डर ऑफ साड़ी विल बी विद नेगी एंड मुर्गी स्टिचेस। जो साड़ी का बॉर्डर है वो ज्यादातर मुर्गी और नेगी स्टिचेस के साथ में बनाया जाता था, राइट? अब इसमें है गवंती, गवंती क्या है, गवंती दिस इज अ सिंपल मोर कॉमन स्टिच डिराइव फ्रॉम द कन्नड़ा वर्ड गंतु मींस नॉट। ये बिल्कुल साधारण सी स्टिच है जो कन्नड़ा शब्द गंतु उससे ली, इसका नाम रखा गया है। इट इज अ डबल रनिंग स्टिच, ये डबल रनिंग स्टिच जो है उसको इसमें गवंती कहा जाता है। इन विच द फर्स्ट रनिंग स्टिच इज फिल्ड बाय द सेकेंड रनिंग स्टिच ऑन द सेम लाइन, उसी लाइन के ऊपर फर्स्ट रनिंग स्टिच जो आपने लगाई है उसी लाइन के ऊपर दोबारा दूसरी रनिंग स्टिच से फिल करोगे तो उसको कहलाते हैं ये गवंती, ठीक है। द सेकेंड वन वर्क एग्जैक्टली अपोजिट टू द फर्स्ट वन, ठीक है, और ऐसा है कि जो सेकंड बर्न जो है वो फर्स्ट है उसके अपोजिट काम करती है। गवंती में भी वर्क इन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और डायगनल डायरेक्शन, आप डायरेक्शन कोई सा भी ले सकते हो, जैसे आप रनिंग स्टिच का डायरेक्शन कोई भी ले सकते हो, स्ट्रेट भी ले सकते हो, डायगनल भी ले सकते हो, आप उसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो उसी प्रकार से आप गवंती किसी भी तरीके में कर सकते हो। बस सिंपल सी बात है कि डबल रनिंग स्टिच है, और दूसरी बात ये फर्स्ट रनिंग स्टिच के बाद में सेकेंड से उसको बीच का जो है उसको फिल करते हुए बनाई जाती है, ठीक है, उसी लाइन के ऊपर, ठीक है, दूसरी तरफ, क्योंकि अब फिर बीच में खाली दिखेगा नहीं ना, तो उस तरीके से ये बनाई जाती है। ये गवंती के बाद में हम आगे बढ़ते हैं मुर्गी, मुर्गी क्या है इसमें, दिस इज अ जिगजैग रनिंग स्टिच विच अपीयर्स लाइक स्टेयरकेस। ये जिगजैग है जो जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना उस तरीके से दिखाई देती है ये, तो ये जिगजैग रनिंग स्टिच है, और जब भी आपको जिगजैग का देना होगा तो रनिंग स्टिच के थ्रू जब आप देंगे तो फिर वो मुर्गी कहलाएगी उसमें, ठीक है। इट इज सेम एज गवंती स्टिच बट वर्क इन अ स्टेप वाइज मैनर, ये सेम उसकी तरह है गवंती की तरह, लेकिन ये सीढ़ी की तरह स्टेप वाइज मैनर में काम करती है, तो क्योंकि वो सीधी है ये जिगजैग है, ठीक है। उसके बाद में द वर्क इन बोथ गवंती एंड मुर्गी स्टिचेस नीट एंड टाइडी वेयर द डिजाइन अपीयर्स सेम ऑन राइट एंड रॉन्ग साइड ऑफ द मटेरियल, हाउएवर द स्टिचेस शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म साइज। स्टिचेस है यूनिफॉर्म साइज में होनी चाहिए इसकी, अगर आप ट्रेडिशनल बना रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं तो। दूसरी बात क्या है, फ्रंट और बैक राइट एंड जो रॉन्ग साइड है कपड़े की दोनों के ऊपर एक जैसी नजर आती है। देखो जो हमने नॉट लगाई नहीं है, डबल रनिंग है या फिर स्टेयरकेस जैसे जिगजैग रनिंग है, तो वो फ्रंट और बैक पे एक जैसी ही लगेगी, वो अलग अलग लगेगी भी नहीं,
ठीक है, वो तो आप कपड़े की जो टेक्सचर है, सतह है, उसके हिसाब से फ्रंट और बैक खुद आप देख लेते हैं, लेकिन जब एम्ब्रॉयडरी की बात की जा रही है तो दोनों जगह पर फिर ये एक जैसी नजर आएगी। ठीक है, डिजाइनर प्रोड्यूस्ड बाय ग्रुपिंग द टेनी डिजाइंस ऑन इररेगुलर इंटरवल्स एंड सीक्वेंसेस। डिजाइन जो है छोटे छोटे डिजाइन को ग्रुपिंग करके इंटरवल इरेगुलर इंटरवल्स में या फिर सिक्वेंस में बनाई जाती थी। तो ये है आपकी मुर्गी। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं हम नेगी। नेगी क्या है? This is another stitch of kasuti. Negi in Kannada means weave. Negi का मतलब क्या कह रहे हैं? Weave. Kannada में उसका मतलब होता है weave. अब देखिए ये पूछने वाले क्वेश्चन है, आपसे मुर्गी का मतलब पूछ लिया, आपसे गवंती का मतलब पूछ लिया, आपसे नेगी का मतलब पूछ लिया। भाई उस स्टेट की अगर पढ़ रहे हो, उस स्टेट की एम्ब्रॉयडरी पढ़ रहे हो, तो उस स्टेट के जो शुरुआत जो शाब्दिक अर्थ है वो तो जानोगे, उसको तो पता करोगे ही ना कि नेगी का क्या मतलब है, गवंती का क्या मतलब है, मुर्गी का क्या मतलब है। तो इतना सा तो आपको थोड़ा समझना भी पड़ेगा, राइट? तो लाइक इसका मतलब है कन्नड़ा में वीव है। नेगी डिजाइन हैज ओवरऑल इफेक्ट ऑफ ए वोवन डिजाइन। ये वोवन डिजाइन पे ओवरऑल इफेक्ट इसका रहता है। नेगी इज नथिंग बट ऑर्डिनरी रनिंग और डार्निंग स्टिच। ये सामान्य रनिंग और डार्निंग स्टिच जो है वो कहलाएगी इसमें नेगी। इट इज वर्क इन लॉन्ग एंड शॉर्ट स्ट्रेट लाइंस और फ्लोट्स एंड देयरफॉर द डिजाइन डज नॉट अपीयर आइडेंटिकल। ये लॉन्ग एंड शॉर्ट लाइन के रूप में या फ्लूट्स के रूप में छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी। अभी देखो जब हम सबसे पहले गवंती की बात की तो गवंती छोटी बड़ी नहीं है, वो सेम जैसी है। मुर्गी की जब ने बात की वो भी छोटी बड़ी नहीं है, लेकिन अब जब हम नेगी की बात कर रहे हैं तो ये लॉन्ग एंड शॉर्ट है, राइट? है सब इसमें रनिंग की, लेकिन बस रनिंग की अलग अलग, रनिंग और डार्निंग, लेकिन थोड़ा उसको यूज करने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मेंथी, मेंथी क्या है? दिस स्टिच इज एन ऑर्डिनरी क्रॉस स्टिच। मेंथी इन कन्नड़ा मीन्स फेनोग्रीक सीड, जो आपके मेथी दाना, दाना मेथी, उसके बाद में बात की जा रही है, वो उसको वहां पे मेंथी कहते हैं। और ये क्या है? जो सामान्य आपकी क्रॉस स्टिच है, एक काका उसकी क्रॉस में दूसरा आपने लगाया, ठीक है, तो वो आपकी क्रॉस स्टिच है और कन्नड़ा में इसका मतलब होता है फेनोग्रीक सीड्स। ठीक है, दिस क्रॉस स्टिच यूजली अपियर्स हैवी एज इट इज यूज फॉर फिलिंग पर्पज। जब आपको फिलिंग करनी हो, जैसे आउटलाइन तो आपने मान लीजिए डबल रनिंग से उसे गवंती से कर दी, लेकिन अगर गवंती के बीच में आपको फिलिंग करनी है तो अब यहाँ पर आप क्या मेंथी का यूज करेंगे। ठीक है, दिस स्टिच रिक्वायर्ड मोर लेंथ ऑफ थ्रेड देन द अदर थ्री स्टिचेस। ऑब्वियसली आपको जब डबल उसको कर रहे हो तो और डायगनल भी जा रही है कंटिन्यू सारी, तो ये ज्यादा लंबाई उनसे थोड़ी सी लंबाई इसकी बाकी जो तीन है उससे ज्यादा रहती है। सिमिलर टू नेगी इवन दिस स्टिच डजंट गिव सेम अपीयरेंस ऑन ईदर साइड्स ऑफ द क्लोथ। ये क्या है? दोनों तरफ एक जैसा लुक नहीं देती है। जैसे आपको मैंने आपको बताया था सबसे इससे पहले जो नेगी है दोनों तो एक जैसी लगेंगी आपकी फर्स्ट जो थी गवंती और मुर्गी, लेकिन जो नेगी और मेंथी है ये बैक साइड में सेम इफेक्ट नहीं देती है। ठीक है, इट कैन बी सीन इन कट साड़ी। सर इससे आर्टिकल ज्यादातर कौन से बनते थे? आर्टिकल ज्यादातर इसके अंदर मैंने आपको शुरू में बता दिया, इसका साड़ी हो गई आपकी, आपका अंगिया हो गई, ब्लाउज हो गया, मेनली इसके गई बनाए जाते। आज भी साड़ी के पल्लू पे ये विद्यमान है। इसके एज इट इज गोपुरम के मोटिव्स, एज इट इज रथा मोटिव्स, एज इट इज आपका क्या कहते हैं पालकी मोटिव्स उसमें अवेलेबल है। डाइटीज की लाइक हाथी हो गया है ना, लाइक पैरट हो गया, ये अभी भी उसके अंदर विद्यमान है। ठीक है, तो ये देखें आपको इसमें बताया गया है ये गवंती, उसके बाद में ये मुर्गी, ठीक है, ये आप देखें नेगी, लॉन्ग एंड शॉर्ट फ्लोट्स दिख रहे हैं आपको इसमें, ये भी फिलिंग में यूज कर सके, ये आउटलाइंस के लिए है और ये क्रॉस बनाया गया है मेंथी। ठीक है, ये मेंथी है। तो फटाफट से हम देखें, आज हमने अभी हमारा कंप्लीट हो गया कसूती, बस कसूती इतना है। कसूती हमने आज हमने सबसे पहले क्या देखा? ओरिजिन कहां से है, उसके बाद हमने क्या देखा? कपड़ा कौन सा लिया जाता है, कपड़े के बाद में हमने क्या समझा? धागे कौन से लिए जाते हैं, कलर कौन से होते हैं, मोटिव्स कौन से होते हैं, स्टिचेस कौन सी होती है और स्टिचेस को क्या कहते हैं। ठीक है, सो ये हमने आज अपना कसूती का कहा। ज्योति तवार नींद आ रही है आपको शायद, ठीक है, चलिए अब अटेंटिव हो जाइए क्योंकि अब क्वेश्चंस का टाइम है। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं फ्यू क्वेश्चंस और आप अटेंटिव रह के आंसर कीजिएगा। ठीक है, मैं अभी आपको क्वेश्चन आंसर्स की तरफ ले जा रही हूँ, राइट, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो सबसे पहले अब
हाँ जी, तो सबसे पहले आप बताएं कशीदा कहाँ का है? कशीदा, चैट बॉक्स ओपन करें, अब चैट बॉक्स से बात करेंगे हम। यस गायत्री, एक्सीलेंट। सोनी मुकरिया फटाक से आंसर कर दिया, वेरी नाइस कशीदा, वेरी नाइस, वेरी नाइस कश्मीर। अच्छा अब नेक्स्ट बताएं हिमाचल की प्रसिद्ध एम्ब्रॉयडरी कौन सी है? हिमाचल की प्रसिद्ध एम्ब्रॉयडरी कौन सी है? हिमाचल की, वेरी नाइस गायत्री, वेरी नाइस तान्या करनवाल, आंचल गोड बच्चे, सावित्री रावत, चंबा रुमाल, चंबा रुमाल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जो काठियावाड़ की एम्ब्रॉयडरी है, मुझे जरा दो तीन काठियावाड़ के एम्ब्रॉयडरी के नाम बताओ। काठियावाड़, काठियावाड़ के नाम बताओ जरा फटाफट से। हाँ काठियावाड़ गुजरात की है बिल्कुल, लेकिन कुछ नाम तो थे गुजरात की, काठियावाड़ के नाम अलग थे ना, हमने पढ़ाया आपको। वेरी नाइस गायत्री, हीर भरत, यस माधुरी यादव, वेरी नाइस हीर भरत, नेक्स्ट हीर भरत के बाद आओ, एक्सीलेंट गायत्री। सोनी मोकरिया अबला भरत, वेरी नाइस बेटा, माधुरी यादव अबला भरत, राइट राइट। एक और बताओ चलो फटाफट से, बड़ी अच्छी सी है वो गायत्री अपनी, गुड गुड गुड। एक और है जो कि ज्यादा इंटरलेस्ड यूज की जाती है, काफी सारी उसके अंदर क्या कहते हैं ज्योमेट्रिकल पैटर्न यूज किया जाता है, ठीक है, इंटरलेसिंग स्टिचेस होती है। यस सावित्री रावत, सिंधी तोरपा, सिंधी तोरपा, ठीक है। अब उसमें से वो बताओ जो कि केवल व्हाइट बीड्स बैकग्राउंड में जिसमें हुआ करते थे, व्हाइट बीड बैकग्राउंड में जिसमें हुआ करते थे काठियावाड़ की, जल्दी गायत्री, वेरी गुड। मोती भरत, यस गायत्री मोती भरत, गुड। हाँ अब आप मुझे बताएं रबाड़ी वर्क क्या होता है, रबाड़ी वर्क जल्दी से, जल्दी से रबाड़ी वर्क, रबाड़ी वर्क बताएं जरा। वेरी नाइस सोनी मगोरिया, अप्लीक वर्क एंड पैच वर्क और माइग्रेटेड पीपल्स, गुड गुड सावित्री रावत, वेरी गुड बच्चों, आपने वाकई में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, संडे को आपने आई थिंक सारा कुछ रिवाइज किया। अच्छा अब कच्छ एम्ब्रॉयडरी जो है, जरा आप मोची भरत और अहीर भरत में अंतर बता दें मुझे, कच्छ एम्ब्रॉयडरी में आप मुझे मोची भरत और अहीर भरत में अंतर बता दें प्लीज। मोची भरत अहीर भरत में अंतर मेन क्या है? मोची भरत में चेन यूज होती है, शालिनी कुमारी, वेरी गुड बेटे मोची भरत, वेरी नाइस, एक आंसर सही है कि मोची भरत में चेन यूज होती है। और अहीर भरत में क्या चेन के साथ क्या यूज होता है? आशीष सुमित रेज हैंड, हैंड रेज नहीं करो, लिख दो चैट में, मिल्कमैन करते हैं बिल्कुल, यस साथ में मिरर यूज होता है, वेरी गुड वेरी गुड। गायत्री ने बहुत अच्छा आंसर भी किया है कि मोची भरत सैटन पे होती है और वो बिल्कुल, वेरी गुड परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। अच्छा अब एक बताएं आप, नेक्स्ट आप बताएं चिकनकारी कहाँ की है, चिकनकारी कौन सी जगह की है? लखनऊ यूपी, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा चिकनकारी जो है उसमें कपड़ा कैसा यूज किया जाता है, धागे कौन से यूज किए जाते थे परंपरागत में? मसलिन फैब्रिक, सोनी मकोरिया, वेरी वेरी गुड बेटे, धागा गैलेक्सी A50 वाइट, दिस इज वाइट ऑन वाइट, वाइट वर्क भी कहा जाता है छत इसको, वेरी नाइस वेरी गुड। अच्छा अब जरा मुझे बताएं कि जंजीरा, जंजीरा कौन सी क्या है, जंजीरा किसको बोलोगे? वेरी नाइस गायत्री चेन, यस जंजीरा चेन को कहेंगे। टेपची, टेपची क्या है, टेपची कौन किसको बोलते हो टेपची? अच्छा टेपची संबंध किससे रिलेटेड है, चलो ये भी लिखो, इतने सारे प्रदेश की एम्ब्रॉयडरी है, इतने सारे स्टेट की एम्ब्रॉयडरी, अगर टेपची वर्ड है तो कहां से संबंधित है? चिकनकारी शालिनी कुमारी, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। टेपची जो है कौन सी एम्ब्रॉयडरी को कहते हैं, कुछ तो होगी ना उसमें, चेन को बोलोगे आप, उसको फेदर को बोलोगे, किसको बोलोगे? फ्लैट है, यस ऑब्वियसली फ्लैट है, बट फ्लैट में भी कौन सी है? वेरी नाइस मीनाक्षी पुरनिया, रनिंग स्टेज, ओके
चलिए बखिया, बखिया क्या है? चिकनकारी में बखिया से क्या समझ रहे हो आप? कौन सी वाली एम्ब्रॉयडरी है जिसको बखिया कह रहे हैं वहां पे? हैरिंग बोन गायत्री, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस गायत्री, वेरी नाइस। अच्छा जरा अब हमें फुलकारी में जो कपड़ा यूज किया जाता है उसका नाम बता दो, कौन सा कपड़ा फुलकारी में यूज करते हो? फुलकारी में जो कपड़ा यूज करोगे उसे, हाँ शिवांगी शुक्ला उल्टी बखिया सीधी, हाँ हेरिंग बोन को एक्चुअली बखिया, सीधी बखिया उल्टी बखिया। ब्रोकेड किसने लिखा है? गलत है, ब्रोकेड नहीं। ये वेरी नाइस गैलेक्सी A50 खद्दड़। हलवान, हलवान कौन सा है बेस्ट क्वालिटी का कौन सा है? चलो खद्दड़ में बेस्ट क्वालिटी कौन सा है? जब आपने हलवान लिख ही दिया तो अब बात बताओ बेस्ट क्वालिटी खद्दड़ कौन सा है? यस गायत्री, हलवान इज बेस्ट क्वालिटी खद्दड़। थ्रेड जो है, थ्रेड कौन से यूज किए जाते थे फुलकारी में? थ्रेड, पट, वेरी नाइस। सिल्क, सिल्कन थ्रेड, कौन से पट मतलब ट्विस्टेड और अनट्विस्टेड? वेरी नाइस शालिनी कुमारी, अनट्विस्टेड। आपको मतलब शुरुआत के दौर में, शुरू में जब ये सिल्क के धागे आते थे तो ये चाइना से ही आते थे, क्योंकि जो चाइना है वो सबसे पहला सिल्क का जो खोज जो हुई है वो चाइना में हुई है, तो उस समय ये पुराने टाइम में चाइना से ही आया करते थे। ठीक है, अच्छा उसके बाद में अगर आप मुझे बताएं कपड़े का जो कलर है, अगर ऑस्पिशियस ओकेजन पे देना है, शादी वगैरह में है, तो कपड़े का कलर कौन सा होता था? वेरी नाइस रेड, यस यस गाइस, अच्छा आंसर है बिल्कुल। अच्छा अब कुछ एक मुझे इसकी मोटिव्स बता दो जरा, फुलकारी के मोटिव्स के जो नाम है ना, जो नाम दिए जाते थे, कुछ एक तीन चार बताओ अलग अलग जरा। वेरी नाइस सोनी, एक साथ लगते जाओ फिर मैं सबको आंसर कर दूंगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं जाली वर्क नहीं है इसमें शिवांगी, फुलकारी में जाली वर्क नहीं है, वो आपका लखनऊ की चिकनकारी में था। ज्योमेट्रिकल डिजाइन यस, ज्वेलरी यस, करेला बाग, गोभी बाग, मिर्च बाग, गार्डन से रिलेटेड हो गए, वेजिटेबल से रिलेटेड, तो गार्डन से रिलेटेड क्या होगा? शालीमार बाग, चार बाग, फ्लावर से रिलेटेड हो गए आपके, सूरजमुखी बाग है ना, तोता मोर से रिलेटेड, या ये है इसके। ठीक है, और अब हम क्या कर चुके हैं, हम कांथा कर चुके हैं ना आप। चलिए अब कांथा की बात करिए आप, हम कांथा में आपसे ये पूछते हैं कुछ मोटिव्स बताइए, यूनिवर्स से रिलेटेड कौन से मोटिव्स यूज किए जाते थे, क्या क्या यूज करोगे? वेरी नाइस गायत्री, लोटस। लोटस में कौन सा क्या ध्यान रखा जाता था? फिशेस, गो, गॉड्स, यस। लोटस में क्या क्या ध्यान रखोगे? उसके जो दल है, पंखड़ियां हैं, वो कितनी और कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए? वेरी नाइस गायत्री, नेवर यूज 5 पेटल, 4 to 1000, गरिमा जयपुर, वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छा आंसर किया आप लोगों ने। अच्छा और अजरा कुछ मोटिव्स के नाम बता दो, हमने आपको बताए थे ना इस तरीके के कांथा में, तो जरा दो तीन के बताओ, मेन हेडिंग, मेन हेडिंग बताओ जरा। एपिक्स एंड फोक स्टोरीज, वेरी नाइस। व्हीकल्स ऑफ डाइटी, वेरी नाइस। और फ्लोर, वेरी नाइस। लेडी विथ मिरर, वेरी नाइस। तांत्रिक मोटिव्स है ना, थिंग्स लाइक क्या हो गए आपके, सच एज फॉर्म्स हो गए, मिरर्स हो गए, पिक्चर्स हो गए, हुक्का हो गया है ना, ये यूज किए जाते थे। ठीक है, कुछ रिचुअल, रिचुअलिस्टिक सीन्स कौन कौन से हो गए? लाइक टेम्पल्स हो गए है ना आपकी, इसमें भी बेटा, इसमें भी जो रथ है और पालकी है वो इसमें भी यूज किया जाता, दोनों में कॉमन है। जो आपका आज हम बता रहे थे कसूती, और इसमें भी, बट कसूती में तो क्या है, ज्योमेट्रिकल है, लेकिन इसके अंदर आप फ्लोरा उसमें यूज कर रहे हो तो देखने का थोड़ा जो सरफेस में नजर आ रहा है उसका डिफरेंस था, लेकिन यूज इसमें भी हुआ करते थे। अच्छा टाइप्स ऑफ कांथा के बताओ, अगर मैं आपसे बोलती हूँ लेप कांथा तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? लेप कांथा मतलब, लेप कांथा, लेप कांथा में किसकी बात कर रही हूँ बताओ जरा? फॉर वार्म्थ, वेरी नाइस। ओढ़ने वाली, यस। ब्लैंकेट्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ सुजनी कांथा, तो जरा सुजनी कांथा के बारे में बताओ, सुजनी कांथा, सुजनी कांथा, हाँ। रिलीजियस ओकेजन्स हो गया, बेड स्प्रेड्स एंड ब्लैंकेट्स, वेरी नाइस। ये आंसर शालिनी कुमारी का बड़ा अच्छा है, उन्होंने सुजनी कांथा का साइज भी बताया, 3x6 फीट, वेरी नाइस, वेरी नाइस।
चलिए आप ये क्वेश्चंस तो हो गए, अब आप मुझे बताओ कसूती जो है उसमें एम्ब्रॉयडरी जो चार है उसके नाम क्या क्या हैं, फटाफट से लिख के बताओ। आज जो पढ़ा है हमने कसूती, सारे आंसर ज्यादा लोगों ने अच्छे किए हैं। चार जो हमने बात की थी क्या नाम है उनके, मुर्गी राइट आंसर हो गया, गवंती राइट आंसर, मेंथी राइट आंसर, एक नेगी राइट। ठीक है, गवंती कौन सा स्टिच है, गवंती किसको कह रहे हो आप, गवंती जो आपने शिवांगी शुक्ला ने लिखा है आप गवंती किसको कह रहे हो, जरा बताओ आप। वेरी नाइस गायत्री डबल रनिंग। अब गवंती के बाद में आप मुर्गी किसे कह रहे हैं, मुर्गी जो एम्ब्रॉयडरी है वो किसे कह रहे हैं आप। वेरी नाइस शालिनी, zigzag रनिंग, गुड गुड गुड। आप नेगी किसे कह रहे हो, नेगी नेगी, ठीक है, वेवी वेवी पैटर्न, वेवी पैटर्न है ना, वेरी नाइस। ओवरऑल इफेक्ट देने के लिए यूज होती है, लॉन्ग एंड शॉर्ट आंचल का आंसर है, सही है। अच्छा अब मेंथी का क्या मतलब है, मेंथी का क्या मतलब है, क्रॉस स्टिच। अच्छा अब मुझे बताओ कन्नड़ा के जो लोकल लैंग्वेज है उसमें गवंती का जो, गवंती किस शब्द से लिया गया है और क्या मतलब होता था उसका, गंतु। वेरी नाइस आंचल, एक्सीलेंट बेटा, हाँ नॉट सोनी मुखर्या, ठीक है आंसर सही है। अच्छा आप एक बात बताएं कि कौन सी दो स्टिच है जो कि कसूती में फ्रंट एंड बैक से एक जैसी लगती है और कौन सी है जो दूसरी एक जैसी नहीं लगती है। गवंती राइट आंसर, गवंती फ्रंट बैक एक जैसी लगती है, मुर्गी भी एक जैसी लगती है, लेकिन बाद की दो जो थी आपकी नेगी और मेंथी वो एक जैसी नहीं लगती है। अच्छा कुछ मोटिव्स के नाम बताओ जरा, कसूती के मोटिव्स, कसूती के मोटिव्स, गोपुरम वेरी नाइस, टेंपल से बेजिल विद पॉट वेरी नाइस, टेंपल्स हाँ आपका पालकी हो गया यस, मंदिर के गुंबद यस, कॉन्च शेल, शंख, एलिफेंट वेरी नाइस वेरी नाइस, आंसर बिल्कुल सही किया, लैंप हो गए, शिवलिंगा हो गया, नंदी, पिलर, वेरी नाइस बेटी वेरी नाइस। अच्छा अब हमें आप जरा ये बता दो कि इसमें जो कपड़े का कलर है वो कौन सा सेलेक्ट करोगे, मैं अगर आपको कह दूं एम्ब्रॉयडरी कसूती करनी है ट्रेडिशनली जैसी तो आप कपड़े का कलर कौन सा लेंगे जरा बताएं। ये वेरी नाइस ब्लैक, रेड, रेड में रस्ट एंड ब्लू, वेस्ट आप देखें वैसे ब्लैक अगर हिंदू रिचुअल्स में देखें ऑस्पिशियस नहीं माना जाता, लेकिन आप देखें कसूती के अंदर जो ब्लैक साड़ी जो कि दुल्हन लेके जाती है वो उस समय वो कैरी करती है, तो ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो कि उस समय हमने ब्लैक बिल्कुल पक्का है कि ब्लैक ही है उस समय, राइट। वेरी नाइस बिट्टे वेरी नाइस। और ज्यादातर मेनली कौन सा धागा यूज किया जाता था, काउंटर थ्रेड है मेनली कॉटन, और फैब्रिक कॉटन, और ये क्या है काउंटेड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है, राइट, दिस इज काउंटेड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। आपको आज थोड़ा कम लिखा क्योंकि मुझे किसी की मेल आई थी कि मैम आप दो तीन एम्ब्रॉयडरी समझा रहे हो हमें कंफ्यूजन हो गया, तो मैंने आज थोड़ा सा, आज मंडे भी था, मैं देखना भी चाह रही थी संडे को आप लोगों को कितना आता है, बट आई एम वेरी हैप्पी सब लोग आप मतलब सारे आंसर सही कर रहे हैं आप, जो भी लास्ट हमने आज चौथा ले रही हूँ मैं पार्ट फोर, लेकिन मैं पार्ट वन से लेके क्वेश्चंस पुट अप कर रही हूँ आपसे, आपने मुझे सबके आंसर्स बिल्कुल सही दिए, ठीक है। तो अपने लिए जरा क्लैपिंग करिए वहीं पे बैठे हुए जहां पर हैं, तो किसी का कोई और क्वेश्चंस है तो आप भेज सकते हैं, नहीं तो मैं वेबिनार एंड करने की तरफ जा रही हूँ। स्टे सेफ, ठीक है, थैंक्स फॉर योर लव, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। रौनक सर रौनक सर एक सेकेंड, अभी टाइम है, किसी ने कहा पीपीटी दोबारा से मैं कर देती हूँ, और रौनक सर अभी आवाज सुन भी नहीं रहे हमारी, तो ये लीजिए कनेक्शन थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा था। कोई बात नहीं सर, अभी टाइम है, बीच में किसी बच्चे ने कहा मैम एक बार पीपीटी दोबारा दिखा दीजिए, तो मैं है तो मैं आपके लिए बच्चों फिर से ये देखिए,
अब जो स्टिचेस बताई थी वो समझ आ रही होंगी अच्छे से कि हाँ इसमें कहाँ कहाँ कैसे यूज की गई है। देखिए आप जब ने कहा था ना फिलिंग में क्रॉस यूज की, तो देखो डिजाइन को फिल करने में क्रॉस ही यूज की गई है। ये बीच में सेंटर में जो दिख रहा है ना आपका, ये सबसे पॉपुलर मोटिव है इसका, सबसे। एग्जाम में आए तो नंदी बना सकते हो, हाथी बना सकते हो, ठीक है, काउंटेड थ्रेड पालकी बना सकते हो। आई थिंक आप स्क्रीनशॉट लेना भूल गई होंगी, आप ये चाह रही होंगी जिसने मुझे लिख के दिया है। चैट में मुझे लिख भी दीजिएगा कि आपने जिस पर्पस के लिए कहा वो हो गया है ना, और नहीं तो मेल कर दीजिएगा बच्चे मुझे। हैंड वोवन है ना, हैंड वोवन वैरायटी ऑफ एम्ब्रॉयडरी है, ये सिल्क के पल्लू पे की जाती है, ठीक है। इसके देखो जो बॉर्डर से मैच करता हुआ साड़ी का ब्लाउज पे बनेगा, उस साड़ी के साथ को क्या खान कहा जाएगा इसमें, चंद्रकली साड़ी, जो ब्लैक साड़ी, वो मैं एक क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए था कि जो ब्लैक साड़ी दी जाती है उसको क्या कहा जाता है। अब चंद्रकली साड़ी, चंद्रकली साड़ी कसूती से संबंधित है जो दुल्हन को दी जाती है, ठीक है। ब्लैक एंड रस्ट इसमें है, थ्रेड मेनली कॉटन, थ्रेड के कलर्स है रेड ऑरेंज पर्पल ग्रीन ब्लू एंड येलो, दैट मोटिव्स आपके चैरियट पैंक्विन लैम्स गोपुरम कॉन्शेल सराउंडिंग आर्किटेक्चरल डिजाइन। अब एक क्वेश्चन आ गया, आर्किटेक्चरल डिजाइन किस स्टेट की एम्ब्रॉयडरी में यूज की जाती है, थी आंसर इज कसूती, ठीक है। अब आपके ये मोटिव्स के बाद में काउंटेड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है ना, गवंती मुर्गी या नेगी मेंथी, डबल रनिंग इज गवंती गंतु में मतलब नॉट, ठीक है। ये आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनल बना सकते हैं, मुर्गी जिगजैग है, ठीक है, स्टेयरकेस की तरह नजर आती है, फ्रंट बैक दोनों पे एक जैसी दिखेगी, गवंती एंड मुर्गी दोनों एक जैसे साइज की होनी चाहिए, नेगी ये फ्रंट बैक में एक जैसी नहीं लगती है, कन्नड़ा मीन्स वीव है, ठीक है। वोवन डिजाइन जैसी नजर आती है, ऑर्डिनरी रनिंग एंड डार्निंग स्टिच ये लॉन्ग एंड शॉर्ट की तरीके से है, उसके बाद आपकी मेंथी है जो मेथी दाना होता है उसके उसपे ना मतलब है इसका, और ये क्रॉस स्टिच है जो नॉर्मल क्रॉस स्टिच है उसको मेंथी कहा जाता है कसूती में, ठीक है। सो मुझे किसी ने कहा था पीपीटी रिपीट करो, हो गया है, आंसर कर दो चैट में। ओके ओके ठीक है बच्चे, अब हम वेबिनार एंड कर रहे हैं, बाय बाय, टेक केयर सर, एंड कर दीजिए। ओके थैंक यू वेरी मच मैडम, आई एम एंडिंग दिस मीटिंग।